चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्या सीखने वाले आज? क्लास 10th का जो मैथ्स है उसमें 11.1 है, तो जो 11 पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 11.1 का दूसरा है। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, धीरे से देखना है आपको। क्वेश्चन को देख लीजिए इसको। एक व्रत के चतुर्थांश, व्रत बना लीजिए सबसे पहले। तो एक ये व्रत बना लिया हमने, जो ये व्रत है इसमें चतुर्थ अंश, जो इसका संधि विच्छेद करते हैं अपन, तो क्या होता है? चतुर्थ का अंश, मतलब जो जो व्रत है ये, इसका जो ये एक टुकड़ा है, ये है इसका मतलब, चतुर्थांश का मतलब। ये इस टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है हमको। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हमें दिया क्या है? इसकी परिधि दी है, इस व्रत की कितनी है इसकी परिधि? इसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन हो गया, ये निकालना है और ये दिया है, तो परिधि दी है हमें व्रत की। तो यहां लिखेंगे हम, दिया है क्या है? व्रत की परिधि, व्रत की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर है। तो व्रत की परिधि का सूत्र याद होना चाहिए आपको, क्या होता है? 2 पाई आर। व्रत की परिधि 2 पाई आर, और मुझे लगता है याद भी होगा आपको। तो यहां पर जो ये है, ये इससे हम आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो पाई का मान रख देंगे पहले, तो 2 इंटू जो पाई का मान रखेंगे वो क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू में आर, और जो ये 22 ऐसा का ऐसा। अब जो ये 7 इधर आएगा, ये डिवाइड में है, तो ये इधर गया तो इंटू में, और ये जो ऊपर के नीचे जाएंगे उलटगणित होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा इंटू 2। अब ये 22 से 22 कैंसल, मतलब बचा क्या? 7/2, यही हमारी त्रिज्या रहेगी इसकी। ये त्रिज्या आर, आर आ गया हमारा, ये त्रिज्या है इस वृत्त की। और जो आपका क्षेत्रफल निकालना है, अब त्रिज्या क्या है? 7/2 सेंटीमीटर। अब जो एरिया निकालना है इस चतुर्थ अंश का, जो चतुर्थ अंश है, जो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे एरिया, तो उसका सूत्र क्या होता है? मैंने कल भी बताया ना, देखिए यहां पर एरिया होता है इसका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमें किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका सूत्र होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आप याद रखिए तो आपको करने में आसान होगा। अब यहां पर थीटा कैसे निकालेंगे हम? ये 90 डिग्री का है, जो तीनों को तोड़ेंगे हम वृत्त को, 90 90 90 90 360, इसीलिए हम बोलते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर थीटा का मान रख देंगे, क्या आएगा मान थीटा का? 90 अपॉन 360, पाई का मान 22/7, और इंटू में आर क्या है? आर अभी हमने निकाला 7/2, तो इसको गुणा में लिख दीजिए 7/2 7/2। अब ये 7 से 7 कटा, यहां पर 0 से 0 कटा, 9 चौक 36, 2 से 11 कटा, यहां पर 2 से 11 बार कटा, और बचा क्या? 11 इंटू 7, तो क्या हो गया? 77। और अपॉन में क्या है? अपॉन में क्या बचा है? यहां पर 4 बचा था, 9 चौक 36, ये 4 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको, जो पूरे नंबर